तो कॉलम जो है कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर ये ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर एक बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसा कि आप इस कॉलम को देख सकते हैं, इस कॉलम को बनाते समय छोटी छोटी कुछ बारीक सी गलतियां हो गई और घर का कॉलम टूट गया। स्वास्थ्य की इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कॉलम बनाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपके घर का कॉलम कुछ इस तरीके से ना टूटे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको अच्छे से समझाने के लिए एक डेमो कॉलम अपने साथ लाए हैं जिससे आप अच्छे से समझ सके कि कॉलम बनाते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जब भी किसी कॉलम में सरिया यानी कि स्टील खत्म हो जाती है तो कॉलम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से हम सरिये को कॉलम में जोड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग, सरिये को कॉलम में जोड़ने के लिए एक रूल बनाया गया कि कॉलम का जो स्टील है जिसमें आप सरिया कुछ इस तरीके से लगाकर इस तरीके से जोड़कर कॉलम को बड़ा करने वाले हैं तो उस कॉलम का जो मेन सरिया हो, मेन स्टील हो, वो अल्टरनेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉलम में अल्टरनेट स्टील क्या होती है। सो यदि हम अल्टरनेट स्टील की बात करें तो एक स्टील छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी होनी चाहिए। दोनों कुछ इस तरीके से आमने सामने की स्टील बराबर नहीं होनी चाहिए, आमने सामने की भी और चारों स्टील बराबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ इस तरीके से ऊपर या फिर नीचे होनी चाहिए। इसी को हम अल्टरनेट बोलते हैं। सो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि कॉलम में सरिये का जोड़ जहां पर भी हो वहां पे जो स्टील होगी, मेन कॉलम की जो स्टील होगी वो अल्टरनेट होगी, ऊपर नीचे होगी, एक बराबर सभी स्टील नहीं होगी, ठीक है। और यदि हम इस कॉलम के फेल होने के, टूटने के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कॉलम को बढ़ाने के लिए सरिये को जहां पर जोड़ा गया है वहां पर मेन कॉलम की जो स्टील है एक समान है, अल्टरनेट नहीं है। तो इस कॉलम के टूटने का जो फर्स्ट पॉइंट है कि सरिये के जोड़ पर मेन कॉलम के सरिये का अल्टरनेट ना होना। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से जोड़ते समय कॉलम का लैपिंग यानी कि सरिये का जो जोड़ है वो लैपिंग जोन में रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि लैपिंग जोन है क्या। तो लैपिंग जोन निकालने का एक फॉर्मूला होता है L/4। L/4 का मतलब मान लीजिए ये आपका कॉलम 4 मीटर का है तो इस कॉलम को आप 4 भाग में बांट दीजिए। तो यदि हम इस 4 मीटर के कॉलम को 4 भाग में बांटेंगे तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इस 4 मीटर में कॉलम को 1 मीटर नीचे से छोड़कर और 1 मीटर ऊपर से छोड़कर बीच में जो आपका 2 मीटर बच रहा है इसी में आपको सरिये को कुछ इस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप कॉलम के नीचे कुछ इस तरीके से सरिये को जोड़ेंगे तो कॉलम के नीचे के पार्ट में टेंशन यानी कि तनाव बहुत ज्यादा होता है और आपका कॉलम कुछ इस तरीके से टूट सकता है। और इसी तरीके से कॉलम के ऊपर वाले पार्ट में भी टेंशन यानी कि तनाव बहुत ज़्यादा होता है और आपका कॉलम कुछ इसी तरीके से टूट सकता है। और यदि हम कॉलम के बीच के पार्ट की बात करें तो कॉलम के बीच के पार्ट में टेंशन यानी कि तनाव कम होता है। तो यही सबसे सेफ जोन है जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कॉलम को जोड़ना होता है। सो इस कॉलम के टूटने के सेकेंड रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो लैपिंग है वो कॉलम के बिल्कुल नीचे यानी कि टेंशन जोन में कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये कॉलम यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं से थोड़ा ऊपर इस कॉलम की ओवरलैपिंग कर दी गई जो कि टेंशन जोन में है। तो कॉलम को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कॉलम का जो जोड़ है वो टेंशन जोन में ना आके लैपिंग जोन में आ जाए। और लैपिंग जोन निकालने के लिए आपके कॉलम की टोटल लंबाई को 4 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, ऊपर से 1 भाग छोड़ दीजिए, नीचे से 1 भाग छोड़ दीजिए और बीच में जो 2 भाग बचता है इसी में आपको कॉलम की ओवरलैपिंग करनी है, कॉलम में स्टील यानी कि सरिया जोड़ना है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्ट्रक्चर लोड का ज्यादा होना। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ये आपका कॉलम है और इस कॉलम की पावर बस इतनी है कि यह 100 किलो का भार उठा सकता है। और यदि हम इस 100 किलो के भार उठाने वाले कॉलम पर 500 किलो का भार रखेंगे तो कॉलम जो है कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम टूटने का यह भी कारण हो सकता है कि स्ट्रक्चर लोड ज़्यादा हो। तो कॉलम बनाते समय स्ट्रक्चर लोड का विशेष ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर लोड के आधार पर ही कॉलम का साइज कम या फिर ज़्यादा रखिए। मान लीजिए आपने 9 इंची का कॉलम बनाया
और इस कॉलम पर सबसे पहले आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया और बाद में इसी ग्राउंड फ्लोर को आपने फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर भी बना लिया। तो जिस समय आपने ग्राउंड फ्लोर का कॉलम बनाते समय 9 इंची का कॉलम बनाया था, उस समय आपका स्ट्रक्चर, आपका कॉलम जो है वो पूरी तरह से मजबूत था। लेकिन इसी 9 इंची के कॉलम पे आपने आगे चलकर सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर भी बना लिया। तो थर्ड फ्लोर बनाने के बाद आपका 9 इंची का कॉलम कमजोर पड़ गया। तो घर बनाते समय यह पहले ही डिसाइड आप कर लीजिए कि जो घर आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो उस घर को आप भविष्य में कितना फ्लोर ले जाना चाहते हो, जिससे आगे चलकर जब आप उस घर को थर्ड फ्लोर या फिर फोर्थ फ्लोर बनाओ तो कॉलम और फाउंडेशन कमजोर ना हो। यदि कॉलम और फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा तो फ्यूचर में आपका भी कॉलम कुछ इस तरीके से टूट जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये 20 फीट बाई 30 फीट का होम प्लान है, 4 लोगों को यह होम प्लान हम शेयर करना चाहते हैं। तो जिसका सबसे पहले इंस्टाग्राम पर मैसेज के साथ ईमेल आईडी आएगा उसको यह होम प्लान हम शेयर कर देंगे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।